अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फकार। हेडलाइंस आपने जानी। आपको आगाह करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने कारकुनों से वीडियो लिंक के खिताब में क्या गुफ्तगू की गई, नाज़रीन को सुनवाते हैं। जो पिंडी की तरफ चल रही है, आज मैं सरगोधा में भी लोग अपने देख रहा हूं और माशाल्लाह अच्छी तादाद में लोग भरपूर तरीके से इसमें शिरकत कर रहे हैं। जेलम में मैं देख रहा हूं अपनी हमारी मार्च शाह महमूद कुरैशी, उसको लेके आ रहे हैं, और फिर मर्दान के अंदर, तो मर्दान भी आज हमारे लोग मोबिलाइज्ड हैं और अवाम पिंडी की तरफ मार्च को लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले सारी अपनी कौम को, आप सबको बताना चाहता हूं कि ये मार्च क्यों है, ये हकीकी आजादी की मार्च हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसलत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, जो 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है वो जमानत पे है, और जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है उसको के बेटे को सजा होने वाली थी एफआईए के केस में 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर टीटी का केस था, और फिर इन्होंने आते साथ ही अपने आप को एनआरओ दे दिए, यानी 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने असेंबली में बैठ के कानून पास किया, अमेंडमेंट की नैब के अंदर, कि हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहे थे। तो